परेशानी है यहाँ पर, मैंने का कोई इलाज नहीं है। दिखा तो नहीं पाओगे ना उसकी माँ को, नहीं हॉस्पिटल में दिखा। हाँ इस हालत में भी तो नहीं होएगी। अभी उसकी और भी खराब है। अब रखो बस, हो गई। और आगे कर दो। मोनू मोनू जितना उतार दो, सुन तो उसकी माँ को कब लेके आएंगे भाई? कहाँ है उसका बयान? लिख रहा है अंदर अंदर लिख रहा है उसको। मैं ले जा रहा हूँ इस में लिख के, ठीक है? अपने साथ तुम जाओगे तो ना हॉस्पिटल में है? चले जाओ। हाँ चले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर सोनू नाम है। सोनू तुम्हारा भाई जो है कब से लापता था, क्या कुछ हुआ बताओ? सर मेरा भाई मंडे की रात से लापता था, फिर हमने पता करा, इधर उधर से पता कर रहे थे तो ऐसा लगा कि वो कहीं घूमने गया है, क्योंकि हमें पहले बताता नहीं था वो, है ना। तो उसके बाद पता करने के बाद हमने पता करी, लास्ट में आज सुबह मेरे भाई दोस्त चाचा जी के लड़के सारे आए, उन्होंने फिर कहा कि चल अब तू कंप्लेन लिखवा पहले। मैंने कहा पहले फोन कर लो जिनके साथ लास्ट टाइम में दिखा था। फिर हमने फोन करा, उनमें एक लड़का था अंकित, अंकित को हमने घर पे बुलाया, बॉबी से बात करी। बॉबी से बात करने के बाद फिर हमने कहा उससे कि भाई ऐसे ऐसी बात, तो क्या लगा मेरे साथ नहीं था वो, उसके साथ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो फिर अब एक अंकित हमने कहा ये नहीं जाएगा कहीं, जब तक हमारा पता नहीं चलता, यही था लास्ट टाइम। किस हालात में लाश मिली, कैसे पता चला तुम लोगों? सर मेरे भाई को ना हम ढूंढने के लिए आए थे, जैसे कभी कभी आ जाता है इधर, तो हम ऐसे ढूंढने के लिए आए थे। तो ढूंढते ढूंढते हम, मैं और दो चार दोस्त है मेरा भाई, हम इधर से गए, मेरे दोस्त चाची का लड़का है राजेश, तो हम ऐसे आए तो उसको दिखा वहाँ पे, तो उसने आवाज़ मारी, हम वहाँ पे गए, सर अलग था और पूरा शरीर नीचे का अलग। क्या काम करता है तुम्हारा भाई, क्या काम करता था? सर वो टैटू आर्टिस्ट था, टैटू बनाता था घर पर बुला के सबको, जैसे जिसको टैटू बनवाना था वो फ़ोन करता था, फिर वो घर पर आते थे, घर पर टैटू बनाता था। क्या उम्र था भाई का, क्या नाम था? बबलू नाम था, 22 साल उम्र है उसकी। अच्छा ये बताओ क्या कुछ पर शक है तुम्हें? सर शक तो मेरे को इन तीनों पे ही है, क्योंकि यही तीनों वो करते थे। ठीक तो घास कटवानी चाहिए, बहुत जगह घास इतनी बड़ी।